मैं यार चाइनीज गलत बोल रहा था, उसमें मैंने कहा यार इसे उतार दो ना। दुआ करे भाई मुझे साइकिल मार्केट ढूंढते ज्यादा दूर ना जाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीत से होंगे। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे नहीं है तो इसे लाइक और फॉलो कर लें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि चाइना से आने वाली मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज अभी मैं जब सुबह नीचे आया हूं तो देखा यार मेरी ना राम प्यारी का ये लॉक खराब हो गया है। मैंने सोचा चले जाते हैं कोई लॉक मास्टर ढूंढ के, एक तो उससे ये लॉक ठीक करवाते हैं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि आज मौसम भी ठीक है, कभी धूप आ रही है जा रही है और सर्दी भी नहीं है ज़्यादा। मुझे किसी ने बताया था कि यार यहाँ पास एक साइकिलों की मार्केट भी है। अभी मैं निकला, मैंने सोचा चलें जाके वही साइकिलों की मार्केट ढूंढते हैं। साइकिलों की मार्केट जाते हैं, एक तो आपको दिखाते हैं यहाँ की साइकिल्स की मार्केट, और दूसरा अपना जो लॉक है वो भी यहीं से सेट करवा लेते हैं। हो सकता है साइकिल मार्केट से जाके हमें थोड़ा अच्छा और मुनासिब कीमत में मिल जाए। ये देखे जी इन्वायरमेंट कितना खूबसूरत है, इतना ज़बरदस्त जो है चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं सारी। बड़ा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट होता है यार इनका। दुआ करें भाई मुझे साइकिल मार्केट ढूंढते ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि मेरा रोज़ा भी है, फिर रोज़ा लग जाएगा। वैसे सर्दियाँ यहाँ पर रोज़ा ज़्यादा फील नहीं होता क्योंकि ठंड होती है काफ़ी ज़्यादा सारा दिन, और यहाँ पर सहरी तकरीबन सुबह 4 बजे हो जाती है, इफ्तारी 5 बजे के राउंड अबाउट हो जाती है। ज़्यादा लेंथी रोज़ा नहीं है और बहुत ठंडा होता है रोज़ा, ज़्यादा फील तो नहीं होता मगर फिर भी जब साइकिल चलाना होता है तो फिर थोड़ा बहुत बंदे को फील हो ही जाता है। सामने बिल्कुल साइकिलों की मार्केट आ गई है, शुक्र है मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, घर के करीब ही है यार ये तो काफ़ी ज़्यादा। यहाँ देखते हैं अभी 100 लाख हमें अच्छा सा मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि लास्ट टाइम जो लिया था वो ज़्यादा अच्छा नहीं निकला। ये देखिए सारे साइकिल ही साइकिल आपको नज़र आ रहे होंगे, वो काफ़ी दूर तक है ये मार्केट। साइकिल को लेकर लगता है ऊपर ही जाना पड़ेगा, देखते हैं बैठे हुए सारे मस्त माहौल में। ए नहीं हाओ, उसे मैंने बताया यार ये लॉक चाहिए मुझे नया, इसे दिखाता हूँ ये चल भी नहीं रहा। एल नहीं हाओ, उसे देख रहा अभी चेक कर रहा है मैं हो ओके दाउचे है फैन दा फैन मैंने कहा भाई सस्ता कर, ये बहुत महंगा बता रहे तू, फैन दा फंगियो फाट या फंगियो हां। उसे मैंने कहा यार इसे उतार दो ना, ये खराब हो गया, चले इसे अब वो नया इसने दे दिया वो लगा लेते हैं कोई अच्छा सा देख के यहाँ से लॉक। ये जो पहले मैंने मंगवाया था ये ज्यादा देर चला ही नहीं, खराब निकला है। ये देखिए ये जी सारे साइकिल ही खड़े हुए हैं, नए पुराने, काफ़ी सस्ते हैं चाइना के अंदर साइकिल, क्योंकि ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं साइकिल्स के ऊपर राइड करना। सुट दे इन्हें भाई, ओ निकाल के फेंक दिया। ये देख रहे हैं जी ये बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा था अंदर से। थैंक यू सो मच शेषे ठीक है अर्शी वाह ठीक है फैन था संशु यार ये तो जंजीर टाइप है काफी मोटा, ये ठीक है ये हां ठीक हां ज्यादा ही का सोया था लड़का ही सिया ये था ले आया हां एक आ एक आ एक आ ये 25 फैन 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 जो जो तो ये आई ला हां ये है हां ना ना हां质量25 बोर शिव सांचू 35 अब मुझे याद आया कि शिव यार असल में ना वो जो दूसरा लॉक था ना उसे सुबह सुबह खोलने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, असल में वो सर्दी के साथ फ्रीज हो जाता था, तो ये अब मैंने वो जंजीर टाइप का लॉक लिया है, ये सुबह सुबह खुल भी जल्दी जाया करेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी और ये फ्रीज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ए पंगियो शेषे थैंक यू सो मच। अपनी राम प्यारी का लॉक शॉक ले कर निकल आए हैं, अभी जा रहा हूँ जी वापस, और अभी मुझे जाना है सीधा यूनिवर्सिटी, लैब का चक्कर लगा के आना है, क्योंकि कल भी मैं लैब गया था ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा सका था, कुछ काम था तो जल्दी वापस आ गया। अब से रमज़ान है तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा लैब में,
क्योंकि घर आके इफ्तारी शफ्तारी भी करनी होती है, तो इसलिए फिर लैब से ज़रा जल्दी निकलना पड़ता है। बंदा सुबह चला भी जल्दी जाए ताकि शाम टाइम वापस भी ज़रा जल्दी आ जाए लैब।